हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 22 तारीख से पेपर हो रहा है और आज 23 है। और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो आज का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसा पेपर था, आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है और आज का सेफ स्कोर आई थिंक कितना हो सकता है कौन सा कैटेगरी में। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा था TCS गीतो बितौन कोलकाता में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिटेन एग्ज़ाम, जो कि इसमें था कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में तो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में आपका पेपर होगा। मेरा भी हुआ था। तो उसमें था कि फर्स्ट में अटैम्प्ट करना है कि 100 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4 का। तो जिसमें अटैम्प्ट करना है, जैसे कि इसमें है कि SSC के जितने भी एग्ज़ाम होता है तो आप जो मैथ भी कर सकते हैं, कभी इंग्लिश भी डायरेक्ट चल जाएंगे। पर इसमें कुछ सिस्टम अलग था जिसे वहाँ पे बताया गया कि जैसे कि आपका मान लीजिए फर्स्ट में आपका हिंदी खुलेगा, फर्स्ट में वहाँ पे हिंदी आपका खुलेगा, हिंदी सेक्शन। तो आप हिंदी अगर करना चाहते हैं तो हिंदी को कंटिन्यू आप करके सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं है, मैं हिंदी फर्स्ट में नहीं करूँगा, मैं रीजनिंग करूँगा, तो आपको क्या करना है, एक काम कि आपको उस मतलब क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हिंदी में नहीं किए पर आपको सबमिट कर देना है। एक सबमिट वाला बटन आपको राइट साइड में नीचे की तरफ रहेगा, तो वहाँ पे आप पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, जो इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं वो सब बता देते हैं। तो वहाँ पे क्या करना है कि उसे सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा यस का, फिर से यस का एक ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। इसी तरह आपको जो भी सेक्शन में जाना है इसी तरह आपको सबमिट करके यस डबल 2 बार यस करना है। तो ये तो हो गया कि आप किस तरह मैनेज करेंगे। अब बात है कि आज का जो पेपर था किस लेवल का था। जैसे कि रीजनिंग का बात करें फर्स्ट में, तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन था टोटल, जिसमें से हम मेरे हिसाब से तो 10 से 12 क्वेश्चन ही आपको इजी लगेंगे। बाकी जितने भी 13 क्वेश्चन है वो आपको जैसे कि सीरीज की बात करें तो 2-3 सीरीज था जो कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, जिसमें से 2 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन नॉर्मल सीरीज का था जो कि एक ब्रेक करके कंटिन्यू करके क्वेश्चन दिया हुआ था, 1 क्वेश्चन था जो कि 8 था, उसके बाद 4/4 था, उसके बाद 6 था, 3-3-5 ऐसे करके एक सीरीज था। वो तो मुझे तो सॉल्व नहीं करने आया, वो पता नहीं चला किस लेवल का क्वेश्चन है इसलिए उसे स्किप कर दिया। अब बात है कि जो एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, ABCD A to Z लिखा हुआ था, एक तरफ दायां लिखा था, एक तरफ बायां, एक तरफ दायां लिखा हुआ था। और बोला गया कि अगर हम पहले लेटर को दूसरे लेटर में चेंज करते हैं, फिर दूसरे को तीसरे में चेंज करते हैं, उसके बाद चौथे को पांचवे में चेंज करते, इसी तरह सभी को आपस में चेंज कर देते हैं, तो 18वां नंबर जो होगा उससे बायां से 18वां नंबर और दायां से 5वां नंबर कौन सा लेटर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन थे जो कि आपको करना था, 2 क्वेश्चंस था, थोड़ा करने में थोड़ा टाइम आपको जा सकता है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट में आपको इसमें सर्कल वाला सीटिंग अरेंजमेंट नहीं दिया था, ये था आपका सीरीज वाला, जैसे कि एक उत्तर की तरफ मुख किया हुआ है और किसी किसी बंदे का नाम दिया हुआ था, बहुत सारे 7 से 8 15 से 16 बंदे थे जिसमें एक एक लंबा सा सीक्वेंस में लिखा हुआ था कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे पहले बैठा है, ऐसे करके दिया हुआ था। एक छोटा बड़ा के ऊपर था, एक था दायां बायां में बैठा है इतना नंबर में। तो 2 था आपका उत्तर की तरफ मुख करके बैठा हुआ, एक सीरीज क्वेश्चन था जो कि सीटिंग अरेंजमेंट में। और आपको फिर था एक आपका रैंकिंग से क्वेश्चंस दिया हुआ था, एक क्वेश्चन रीजनिंग में आपका। फिर था पेपर फोल्डिंग से एक क्वेश्चन था, उसके बाद एक सीक्वेंस डायग्राम था जो कि वो डायग्राम सीरीज से ही क्वेश्चन था, डायग्राम वाला सीरीज से क्वेश्चंस दिया हुआ था। फिर आपका रीजनिंग में हाइडन फिगर से शायद था कि नहीं। फिर आपका था ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था जो कि A+B का मतलब A B का माँ है, ऐसे कर क्वेश्चन जो बनता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का दिया हुआ था। फिर आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो रीजनिंग में ओवरऑल देखा जाए तो आप कुछ क्वेश्चन 5 से 6-7 क्वेश्चन ईजी लगेंगे आपको, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो 10 क्वेश्चन भी ईजी लग सकता है, और बाकी क्वेश्चन मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। और आपका एक एनालॉजी से भी क्वेश्चन था जो कि एक कार ए है ऐसे करके दिया हुआ था। उसके बाद अब बात करें मैथ का, तो मैथ में था कि
मतलब टाइम टेकिंग कैलकुलेशन ज़्यादा दिया था, जैसे एक क्वेश्चन था सीआई से, एक क्वेश्चन था एसआई से दिया हुआ, फिर आपका मेंसुरेशन से दो क्वेश्चंस था, जो कि एक था आपका जो एक चक्कर लगाने पर कितना चक्कर लगाएगा ये था, फिर टाइम एंड वर्क से दो से तीन क्वेश्चंस दिए हुए थे, एक था सिंपल सा कि इतने इतने दिन में काम करता है ए प्लस बी, इतना दिन में काम करता है बी, फिर बी प्लस सी ऐसे इतना दिन में काम करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। फिर एक क्वेश्चन था कि आपका इतना दिन में काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो मैथ का क्वेश्चंस ओवरऑल कुछ क्वेश्चन बहुत सारे टाइम टेकिंग तक बनाने लायक था, पर टाइम टेकिंग ज़्यादा था जिसके वजह से काफ़ी अटेम्प्ट नहीं हो पाया। उसके बाद हिंदी के बात करें तो हिंदी ओवरऑल जो पढ़ा हुआ है, जैसे कि वर्णमाला से कोई क्वेश्चंस नहीं था, संधि विच्छेद से कोई क्वेश्चन नहीं था, विशेषण संज्ञा से कोई क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ था, वो था सिंपल सा कोई कहानी कविता से लाइन उठाया था जिसको फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना था, वर्तनी से क्वेश्चंस था, फिर आपका पर्यायवाची से क्वेश्चंस था, फिर आपका विलोम अर्थी से क्वेश्चंस था, मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए थे, मतलब हिंदी में भी मॉडरेट टाइप का ही क्वेश्चंस था, जो कि अगर पढ़ा हुआ है तो याद है तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे ऐसे टाइप का। फिर जीके में करेंट अफेयर से 8 से 9 क्वेश्चंस करेंट अफेयर से ही थे, जो कि 2023 के जनवरी से भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था सानिया मिर्जा हाल ही में जो मतलब संन्यास लिए तो कौन सा खेल से वो रिलेटेड करते हैं, मतलब कौन सा खेल से वो है, मतलब थे जैसे बैडमिंटन से थे। तो उसके बाद है गांधी जी मतलब एक अफ्रीका से कि कौन से जहाँ से आए थे तो उस समय उनका एज कितना था, इस टाइप के क्वेश्चंस बने थे। फिर आपका पॉलिटी से आपका आर्टिकल से भी क्वेश्चंस था, फिर आपका इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस था, बजट से भी क्वेश्चंस बनाए हुए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीके जीएस वगैरह जो रहता है वो तो हमेशा सही रहता है। फिर आपका साइंस में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस था, 119 वाला कोई कंपाउंड था जो कि वो कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस दिया हुआ था। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जीके जीएस सभी मतलब ओवरऑल मॉडरेट ही पेपर था, पूरा मॉडरेट टू हार्ड का संज्ञा में रखूँगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आज का जो पेपर था काफ़ी मॉडरेट था, फर्स्ट शिफ्ट का मॉडरेट टू हार्ड का संज्ञा दूंगा, और यहाँ पे आपका जो सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो वैसे तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे कट ऑफ जाएगा, तो कट ऑफ तो हमेशा ही ऑल इंडिया बेसिस पे जो भी वैकेंसी रहता है उसका हाई कट ऑफ जाता ही है। तो आपका मान के चलिए कि आपका फाइनल तक का मैं बता देता हूँ कि अगर आप जनरल से है तो 80 तो करीब जाएगा ही, अगर इस पेपर के हिसाब से देखा जाए तो। अगर वही स्टेट वाइज रहता तो कोई स्टेट का हाई जाता तो कोई स्टेट का कम जाता। अगर आप ओबीसी में है तो कम से कम अगर इस पेपर में 70 तक अटैम्प है, आपका एक्यूरेसी सही है, तो आपका होने का चांसेस है। मेरा तो 50 ही अटैम्प कर पाया, जिसके वजह से नहीं भी होने का चांस है, क्योंकि बहुत मॉडरेट पेपर था। अगर एक्यूरेसी सही रहता है तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपका मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू आज का, जो कि ऐसे आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आप फर्स्ट शिफ्ट का था, जिसके बारे में रियल रिव्यू आपको दे दिया। तो चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।